हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार सी ब्रेड कॉर्न्स। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है ये स्नैक, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून चॉप्ड अनियन। इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 6 टेबलस्पून बॉइल्ड कीमा, 1/2 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल शिमला मिर्च है, ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी है तो डालें, स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया ऐड किया है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। इसके अलावा इसमें मैंने शामिल किया है 1/4 टेबलस्पून नमक। इसको आप 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड स्लाइस लिया है, इसके किनारे उतार के मैंने इसको रोल कर लिया है और इसको हम कोन की शक्ल में इस तरह से बना लेंगे। एजेस पे आपने पानी लगाना है, अच्छे तरीके से पानी लगा के आप इसको दबा दें। अच्छी सी कोन हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। कोन में सबसे नीचे हम डालेंगे चीज़, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपनी कीमे वाली फिलिंग। आप चाहें तो चिकन से भी यही फिलिंग रेडी कर सकते हैं। उसके ऊपर दोबारा हम चीज़ को ऐड करेंगे और इस तरीके से ये जो ब्रेड की ट्रायंगल है इसके ऊपर आपने पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से बंद कर देना है। पानी आपने अच्छे तरीके से लगाना है, तमाम किनारे अच्छे तरीके से बंद करने हैं ताकि ऑयल इसके अंदर ना जाए। कॉर्न्स हमारी बिल्कुल रेडी है। इस मिक्सचर से आपकी 6 कॉर्न्स बनेंगी। इसको मैं डिप करूंगी अंडे में और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अंडे और ब्रेड क्रम्स के बगैर भी इसको फ्राई कर सकते हैं, उससे भी इसकी बहुत अच्छी लुक आती है। मैं आपको उस तरह से भी एक फ्राई करके दिखाऊंगी। तो इसको मैंने डाल दिया है बिल्कुल मीडियम हीट ऑयल में। ये देखें, एक मैंने बगैर ब्रेड क्रम्स और अंडे के इसमें डाला है। अब हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखें, ब्रेड कॉर्न्स हमारी बिल्कुल रेडी है। ब्रेड कॉर्न्स आउटसाइड से बहुत क्रिस्पी बनती हैं और अंदर से बहुत चीज़ी और यमी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें इनको। ये वो कॉर्न है जिसको हमने अंडे के बगैर फ्राई किया है और मज़ेदार से स्नैक्स रेडी हैं। इनके साथ मैंने बनाए हैं पोटैटो रोल्स, इसकी रेसिपी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इनको आप केचप के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार और यमी हैं ये।